नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए रैंकिंग का भी एक फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ था, आज सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कैसे निकाला जाता है। बहुत से विद्यार्थी इस टाइप के प्रश्न हल करते हैं, समस्याएं आती हैं उनके सामने कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाए। वो आंसर भी टिक कर देते हैं लेकिन आंसर उनका गलत हो जाता है। मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिख रखे हैं, उन दोनों प्रश्नों को मैं बताऊंगा कि कैसे उन प्रश्नों को हल करेंगे शॉर्ट टिक विधि से। जैसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि क्यू आर से तेज टाइप करता है, तो यहाँ पर भाषा ऐसी भी लिख कर दे सकता है कि तेज टाइप करता है, तेज दौड़ता है, लंबा है, इस टाइप से, मतलब दो कंपेरिजन की बातें कही जाएंगी। तो अभी तक जो विद्यार्थी ज़्यादातर हल करता है, तो मैंने देखा हुआ है कि वो बिल्डिंग बनाता है, ग्रेटर देन लेस देन करता है, और अक्सर गलतियां होती हैं। बहुत बार मैंने गलतियों को देखा है विद्यार्थियों में, तो आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप समझिएगा और 100% विश्वास है कि आज से आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ दिया गया है क्यू आर से तेज टाइप करता है, तो तरीका क्या है? तेज मतलब ज़्यादा ही हुआ आपका, तो पहली लाइन है क्यू आर से तेज टाइप करता है, तो जो तेज है वो ऊपर रहना चाहिए, इसका मतलब है कि दूसरा वाला बंदा नीचे हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है बराबर का चिन्ह। अगली लाइन पढ़नी है लेकिन वी से नहीं, इस लाइन को समझ लीजिएगा, क्यू आर से तेज टाइप करता है लेकिन वी से नहीं, इसका मतलब है कि वी से क्या हो गया, ये कम हो गया आपका, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। क्यू आर से तेज टाइप करता है लेकिन वी से नहीं। उसके बाद अगली लाइन क्या कही है कि टी आर से तेज टाइप करता है, तो टी जो है वो आर से तेज टाइप करता है, जो तेज बोल रहा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, दूसरा वाला बंदा अपने आप नीचे आ जाएगा। फिर क्या कहा है, यस वी से तेज टाइप करता है, तो यस जो है वो तेज टाइप करता है आपका वी से, तो यस ऊपर हो गया और वी नीचे हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, जो तेज है वो ऊपर है, जो धीमे है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। इस तरीके से और भी कहा जाता तो हम उसको लिखते रहते। अब सवाल में देखेंगे कि उसने पूछा क्या है। यहाँ दिया गया है सबसे तेज टाइप कौन करता है, तो सबसे तेज वही बंदा होगा जो कभी नीचे ना आया हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा बंदा कभी नीचे नहीं आया है। तो जैसे क्यू को देखा तो क्यू तो नीचे आया, इसका मतलब क्यू कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। वी को देखा है तो वी भी नीचे आया है, इसका मतलब वी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हमने देखा है कि टी कभी भी नीचे नहीं आया, इसका मतलब है टी क्या है, हो सकता है। इसी प्रकार से हमने यस को देखा तो यस भी कभी नीचे नहीं आया, इसका मतलब है कि यस भी क्या है आपका, हो सकता है। अब होता क्या है, वहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते हैं कि ए ऑप्शन मान लो हमने दे दिया टी, बी ऑप्शन दे दिया यस, सी ऑप्शन दे दिया सी एन डी, और डी ऑप्शन हमने दे दिया यहाँ पर मान लो वी। तो विद्यार्थी ने अगर इस ट्रिक से किया है तो तुरंत आंसर को क्लिक कर लेगा कि जब टी और एस में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा सी एन डी। लेकिन अलग अलग तरीकों से विद्यार्थी हल करता है, बहुत सा विद्यार्थी यस टिक कर देता है, बहुत सा विद्यार्थी टी टिक कर देता है, लेकिन जबकि इसका आंसर होना चाहिए सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता आपका, ठीक है। तो इसी तरीके का प्रश्न हमने लिख रखा है दूसरी साइड पर, उस साइड के प्रश्न को हम आपको बताएंगे, सेम पैटर्न लिखा हुआ है, तो उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि सवाल को किस तरीके से आपका हल किया जाएगा। इस सवाल को जो हल किया वैसे ही वो सवाल आपका है, उस तरीके से इसको हल कर लेते हैं, तो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो इस सवाल को भी देख लेते हैं कि सवाल को सेम पैटर्न से हल करते हैं। यहाँ पर दिया है बड़ा छोटा, इस तरीके से यहाँ पर दिया था तेज, तो देखो कैसे करना है। इस सवाल को दिया है ए यस से बड़ा है, वही बात इधर थी वही बात इधर है, ए यस से बड़ा है, तो सीधी सी बात है यस से ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पर ए, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कोई कंडीशन नहीं सेट करनी कि ग्रेटर कहाँ सेट होगा, कौन बंदा कहाँ सेट होगा, बिल्कुल नॉर्मली तरीके लिखते चले जाइएगा। लेकिन आर से छोटा है, ए यस से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, तो आर से छोटा हो जाएगा आपका ए, बराबर का चिन्ह लगा दिया। डी एम से छोटा है, डी किससे छोटा है, एम से, तो एम से छोटा हो जाएगा आपका डी, बराबर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन के से बड़ा है, वही बात है, डी जो है वो एम से तो छोटा है लेकिन के से क्या है, बड़ा है, तो के से बड़ा हो जाएगा आपका कौन, डी। यहां पर लास्ट लाइन में दिया गया कि के एस से बड़ा है, तो सीधी सी बात है के किससे बड़ा हो जाएगा, एस से।
जो बड़ा है वो ऊपर लिख रहे हैं, जो छोटा है वो नीचे लिख रहे हैं, सेम पैटर्न, बराबर का चिन्ह। और भी अगर हमें देता तो हम लिखते चले जाते, कोई कंडीशन को सेट नहीं करते। अब सवाल में देख लीजिएगा क्या लिखा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वही होगा जो कभी नीचे ना आया हो। आओ चेक करते हैं, ए यहां पर दिया गया तो ए तो नीचे आया, इसका मतलब ए कभी भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। आर कभी भी नीचे आया है क्या, नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब आर आपका क्या है, हो सकता है। क्या यम नीचे आया है, तो यम भी नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, हो सकता है। डी आया है नीचे, तो डी देखा नीचे लिखा है, नहीं हो सकता, जो नीचे आया उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा, ये नहीं हो सकता। के, के भी नीचे आया है, तो देखिएगा के भी आपका नहीं हो सकता है। फिर वही बात आ गई है कि यहाँ पर आर और एम दो बंदे ऐसे हैं जो कभी नीचे नहीं आए, तो इसका भी अगर आंसर दिया जाएगा तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में ये ना लिख करके वो ये लिख दे आर या एम, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन पर। ऑप्शन में वो इस तरीके से लिख देता है कि आर एम और लिख दिया मान लो आर या एम, और चौथा लिख दिया सपोज दैट डी, तो आप टिक किसको लगा देंगे, आर या एम। लेकिन टिक आप तभी लगा पाएंगे जब आप पैटर्न ये अपनाएंगे, अन्यथा बहुत से विद्यार्थी आर को टिक कर देते हैं, एम को टिक कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आंसर यही आता है, जब दो एक से अधिक बंदे हो जाएं तब आंसर आपको यही टिक करना होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी है सबसे बड़ा की, लिखने का तरीका आपका होगा। अगर इन्हीं सवालों में हम बात करें कि सबसे छोटा, तो इसी सवालों में हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे छोटा प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, तो उसके बारे में एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो एक सवाल मैंने फिर लिख रखा है, अभी मैं आपसे सबसे बड़े की बात कर रहा था, अब मैं सबसे छोटे की यहां पर बात कर रहा हूं। सवाल यहां पर मैंने लिख रखा है कि सबसे छोटा कौन है, तो एक सवाल देख लेते हैं, सबसे छोटा, ये ट्रिक आप लगाएंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा में। बड़ा और छोटा का मतलब सबसे मोटा, सबसे पतला, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ऐसे शब्द दिए जाएं तो आप इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। यहाँ दिया गया है वरुण जयेश से बड़ा है, तो सीधी सी बात होगी जयेश से बड़ा है, तो जयेश ये हो गया, और उससे बड़ा कौन हो जाएगा, वरुण, तो वरुण को ऊपर लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। दिनेश हरीश से छोटा है, दिनेश किससे छोटा है, हरीश से, तो हरीश से छोटा हो गया आपका दिनेश, तो दिनेश लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या कहा है, सुरेश वरुण से बड़ा है, तो सुरेश किससे बड़ा हो जाएगा, वरुण से, तो सुरेश हो गया, उसके जस्ट नीचे कौन हो जाएगा आपका, वरुण, बराबर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन दिनेश से छोटा है, तो सुरेश दिया गया था, सुरेश वरुण से बड़ा है, तो सुरेश किससे बड़ा हो जाएगा, वरुण से, लेकिन दिनेश से छोटा है, तो ये तो कंफर्म बात है कि दिनेश से छोटा है, तो दिनेश ऊपर रहना चाहिए, लेकिन क्या कहा, दिनेश से छोटा है कौन, तो देखिएगा सुरेश वरुण से बड़ा है लेकिन दिनेश से छोटा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर बात कही गई है किसकी, सुरेश की, तो सुरेश हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर देखिएगा यहीं तक लाइन दी गई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, वरुण जयेश से बड़ा है तो वरुण ऊपर हो जाएगा, दिनेश हरीश से छोटा है तो दिनेश नीचे हो जाएगा, सुरेश वरुण से बड़ा है तो सुरेश ऊपर हो जाएगा, लेकिन दिनेश से छोटा है। यहाँ पर क्या बात कही गई है कि सबसे छोटा, तो बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि सबसे बड़ा अगर कभी भी पूछा जाए तो जो कभी नीचे नहीं आया वही तो सबसे बड़ा होगा, और अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन होगा तो जो कभी ऊपर ना गया हो, अगर ऊपर गया तो किसी ना किसी से तो बड़ा हो ही जाएगा, और वो पूछ रहा सबसे छोटा, तो चेक करते हैं क्या जयेश ऊपर गया है, तो जयेश ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये क्या है, हो सकता है। क्या दिनेश ऊपर गया है, गया, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता है। वरुण गया है, गया, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता है। सुरेश गया है, गया, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ एक नाम आया है तो ये हो जाएगा 100% आंसर, अर्थात सबसे छोटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जयेश। अगर इसी सवाल में सबसे बड़ा पूछ लेता तो देखो वही ट्रिक अपनाएंगे जो अभी हम लोगों ने समझी थी, जो कभी नीचे ना आया हो, वरुण नीचे आया है इसका मतलब सबसे बड़ा नहीं हो सकता, हरीश नीचे आया है नहीं आया इसका मतलब ये हो सकता है, सुरेश नीचे आया है आया इसका मतलब नहीं हो सकता, दिनेश नीचे आया है
आया है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर भी 100% आंसर हम निकाल सकते थे, क्या? हरीश। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो हरीश है, और सबसे छोटा पूछा जाता तो जयेश है। सवाल में हमसे पूछा गया था सबसे छोटा, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या? जयेश। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा की कोई ट्रिक पूछी जाए, तब आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप सेट करेंगे। सवाल में सबसे बड़ा वह होगा जो कभी नीचे ना आए, और सबसे छोटा वह होगा जो कभी ऊपर ना जाए। इसका फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के छोटे लेकिन जरूरी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है? इसी प्रकार प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत